Very good day to my listeners. Today we are going to see about the mechanism of pathogenesis of inflammation. मतलब हम inflammation का mechanism इस particular video में देखेंगे. मेरे पिछले video में मैंने आपको inflammation क्या होता है, किस किस reason के वजह से inflammation होता है और types of inflammation मैंने बताए थे. आज का वीडियो हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन से ही चालू करेंगे. दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट जो कि बहुत फास्टली होता है, कम टाइम के लिए होता है और उसमें फ्लूइड एक्युमुलेशन जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन एक्जीक्यूट के साथ में होता है विद द न्यूट्रोफिल. और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ये ऑनसेट इंसिडियस होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है और अगर आप उसका फ्लूइड देखेंगे तो उसमें लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस प्लाज्मा सेल्स एज एन इंफ्लामेटरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये सारे सेल प्लाज्मा सेल्स मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स ये सब इंफ्लामेशन में रोल प्ले करते हैं एंड दीज आर ऑल इम्यून सेल्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक पैथोजेनेसिस ऑफ इंफ्लामेशन. When we will talk about pathogenesis, remember pathogenesis का मतलब ये होता है कि मैकेनिज्म क्या है इन्फ्लामेशन की. जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या रीजंस होते हैं इन्फ्लामेशन के, किन किन रीजन से इन्फ्लामेशन हो सकता है. अब इस बार हम बताएंगे वो रीजन से इन्फ्लामेशन कैसे होता है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लू तो पैरासिटामोल का, मैं फार्माकोलॉजी पे आता हूँ कि सभी को पता है पैरासिटामोल फीवर रिड्यूस करता है. सो अगर वी विल सी दैट वन, इट्स एन एटियोलॉजी like inflammation is there because of dash dash reason. But in paracetamol fever kaise reduce karta hai, that is what mechanism of paracetamol. And when we will talk about inflammation aur uski pathogenesis, to pathogenesis matlab kaise inflammation hote hai because of dash dash reason, to wo kaise hota hai, that we will see today. Agar hum पैथोजेनेसिस या मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन देखेंगे तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रीजन होता है इन्फ्लामेशन का वो इट्स बिकॉज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स. ये केमिकल मीडिएटर्स को हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. उनको हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं उसको समझाने के लिए, दैट इज ऑटोकॉइट. क्या कहते हैं उसको? ऑटोकॉइट्स. ऑटोकॉइट्स अगर आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो यू विल सी दैट, इफ यू विल ब्रेक दैट वर्ड, ऑटो मीन्स सेल्फ, क्वाइट्स इट्स केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स रेमेडी. सो ऑटोकॉइट का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेमेडी, खुद से ट्रीटमेंट करने वाले. सो इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कंप्लीट पैथोजेनेसिस, पूरे मैकेनिज्म के बेस इसके ऊपर रहता है. तो क्या क्या एक्शंस होती है केमिकल मीडिएटर के थ्रू जिसके वजह से इन्फ्लामेशन कॉज होता है? सबसे पहली चीज ये करते हैं कि ब्लड का फ्लो उस जगह पे बढ़ा देते हैं. किस जगह पे? जहां पे इंजरी हुई है, जहां पे इन्फ्लामेशन होना है. जैसे ही वो ब्लड का फ्लो बढ़ाएंगे तो ब्लड का फ्लो के साथ में क्या होगा कि आरबीसी ज्यादा आएंगे और आरबीसी के साथ में डब्ल्यूबीसीज भी ज्यादा आएंगे, प्लाज्मा भी वहां पे ज्यादा आएगा. सेकंड चीज जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स करते हैं, ऑटोकॉइट्स करते हैं, वो करते हैं कि वैस्कुलर परमियाबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं. वैस्कुलर परमियाबिलिटी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सेल्स होते हैं, सपोज ये ब्लड वेसल्स है तो ये ब्लड वेसल्स जो बनी होती है एपिथेलियल सेल लाइनिंग से, है ना, वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल लाइनिंग. सो इसके बीच में एक गैप होता है, बट ये गैप जनरली इतना बड़ा नहीं होता कि डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाए या आरबीसी बाहर आ जाए. इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं? इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसका साइज कम कर देते हैं. अगर आप देखोगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो गैप बढ़ जाता है, वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं उसके वजह से.
एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन WBC और RBC बाहर आ सकते हैं, और इसीलिए आपको वहां पे प्लाज्मा ज्यादा दिखेगा, रेडनेस ज्यादा दिखेगी बिकॉज ऑफ RBC। WBC वहां रिक्रूट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से इजीली एंट्री हो सकती है बैक्टीरिया और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। द थर्ड थिंग इज दैट ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन। भाई मैं आपको बता रहा था कि परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ल्यूकोसाइट, जिसका मतलब है कि आपके WBC सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे वहां रिक्रूट होते हैं। आपने पस देखा होगा कई बार, जब हमको इंजुरी होती है तो हम कहते हैं पक गया है सम इन प्लेस, वो पकना इस वहां पे पस जमा हो जाता है, व्हाइट कलर का फ्लूड निकलता है, दैट इज नथिंग बट न्यूट्रोफिल। और ये जो न्यूट्रोफिल है ये ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन की वजह से ही इन्फ्लामेटरी साइट पे जाता है, और एक्चुअली इट्स अ प्रोटेक्टिव थिंग कि वो फर्दर एंट्री ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर देता है। नो, नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन को देखेंगे तो वैसोडाइलेशन, एक्सुडेशन ऑफ एडिमा, इमिग्रेशन ऑफ सेल्स और कीमोटैक्सिस, ये चार पॉइंट हमको मिलेंगे। लास्ट वन इज कीमोटैक्सिस। इफ यू विल सी, वैसोडाइलेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद में क्या होगा, एक्सुडेशन ऑफ एडिमा मतलब RBC और उसके साथ में प्लाज्मा फ्लूइड बाहर जाएगा, इमिग्रेशन ऑफ सेल्स और WBC भी जाएंगे। इमिग्रेशन ऑफ सेल का मतलब होता है, कीमोटैक्सिस भी उसी का एक पार्ट है, कि जहां एग्जैक्टली साइट ऑफ इंजुरी है, इन्फ्लामेशन तो उसके अराउंड होगा, जहां एग्जैक्टली साइट ऑफ इंजुरी है वहां पे WBC सेल जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जो इमिग्रेट हो चुके हैं, ब्लड वेसल से बाहर आ चुके हैं, उनको एग्जैक्टली उस साइट पे लेके जाना। दिस इज व्हाट दैट प्रोसेस इज नोन एज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब क्या होता है, WBC को इन्फ्लामेशन की जगह से एग्जैक्टली सेल इंजुरी के साइट पे लेके जाना, बिकॉज ऑफ विच इट कैन प्रोटेक्ट डायरेक्टली द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां से अंदर आता है तो योर WBC कैन किल देम डायरेक्टली। नाउ वी विल सी डायरेक्टली वन बाय वन। एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो प्रोसेस है उसमें दो मेजर इवेंट होते हैं, एक होता है वैस्कुलर इवेंट और दूसरा होता है सेलुलर इवेंट। वैस्कुलर इवेंट में जो मैंने अभी चार इवेंट बताए ये इसी में कंसीडर्ड होते हैं, इन्हीं दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले वैस्कुलर इवेंट मतलब जो भी इवेंट ब्लड वेसल्स में हो रहा है, ब्लड वेसल्स में जो भी चेंजेस होंगे और उसके वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो जो भी चेंजेस होते हैं उनको वैस्कुलर इवेंट कहा जाता है। और सेलुलर इवेंट मतलब जो आपके सेल्स है वहां पे उनके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, विच रिजल्ट इन टू इन्फ्लामेशन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन, वो इवेंट्स को हम सेलुलर इवेंट्स कहते हैं। एज पर एज वैस्कुलर इवेंट उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहला है हीमोडायनेमिक चेंजेस, एग्जैक्टली क्या ब्लड वेसल में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज व्हाट हीमोडायनेमिक चेंजेस। अनदर वन इज वैस्कुलर परमेबिलिटी, वो चेंजेस के वजह से, वो हीमोडायनेमिक चेंजेस के वजह से ब्लड वेसल्स के जो ऊपर जो इंडोथेलियल सेल लाइनिंग है उसमें परमेबिलिटी में क्या अल्टर हो रहा है। मैंने आपको बताया था अभी लास्ट स्लाइड में, परमेबिलिटी बढ़ जाती है जिसके वजह से WBC बाहर आ पाते हैं। सेलुलर इवेंट में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे एक्सुडेशन होता है, कैसे WBC इंडोथेलियल सेल लाइन के साथ में अटैच होके कैसे बाहर आते हैं, दैट वी विल सी इन केस ऑफ सेलुलर इवेंट। एंड थर्ड वन इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक तरीके का मैकेनिज्म है जिसके वजह से, जिस प्रोसेस के थ्रू WBC कोई भी फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, एनी फॉरेन मटेरियल और इंजर्ड टिश्यू आपके बॉडी के रहेंगे उनको डाइजेस्ट करके करेक्शन करता है एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज इवेंट्स। वी विल सी दीज इवेंट्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, इफ यू विल स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन, आपको ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन ये बनी होती है
फॉस्फोलिपिड की, ओके आई विल राइट पीएल फॉर फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड जब भी इंजरी हो जाती है, सेल इंजरी, तो सम पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड आर एलिमिनेटेड ओवर देयर। उसके वजह से क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो जाता है जो कि इंटरैक्ट करता है फॉस्फोलिपिड के साथ में। और फॉस्फोलाइपेज जब फॉस्फोलिपिड के साथ में इंटरैक्ट होता है, वो बनाता है एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड ये प्रीकर्सर है इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स का। एराकिडोनिक एसिड के ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जैसे कि अगर कॉक्स वन एंड कॉक्स टू। ये कॉक्स वन और कॉक्स टू क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है साइक्लोऑक्सीजिनेज का, साइक्लोऑक्सीजिनेज वन और साइक्लोऑक्सीजिनेज टू। जब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्ट करते हैं तो दैट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ PGG2, वो भी एक प्रीकर्सर है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन H2 फॉर्म होता है, प्रोस्टासाइक्लिन फॉर्म होता है PGI2 जिसको कहते हैं, PGD2 एंड PGE2। और ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन का अपना ही रोल है। अगर आपको दिखेगा कि देयर मेजर रोल क्या है, तो वैसोडाइलेशन कॉज करना इज द मेजर रोल ऑफ इट। एट द सेम टाइम एराकिडोनिक एसिड के ऊपर एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट करता है, उसका नाम है थ्रोम्बोक्सीजिनेज। थ्रोम्बोक्सीजिनेज एक्ट करता है, दिस थ्रोम्बोक्सीजिनेज रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सोन। ये थ्रोम्बोक्सोन का एग्जैक्टली अपोजिट एक्शन होता है, ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन को प्रमोट करता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। यही सेम एराकिडोनिक एसिड के ऊपर जब लिपोक्सीजिनेज फॉर्म करते हैं तो ये इंटरल्यूकिन्स फॉर्म करते हैं। यू कैन सी यूर ल्यूकोट्राइन A2, A4, ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, ल्यूकोट्राइन E4। ये सारे ल्यूकोट्राइन को फॉर्मेशन कॉम करने का काम लिपोक्सीजिनेज करता है। ये जितने भी ल्यूकोट्राइन्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू माइग्रेशन होता है WBCs का फ्रॉम इंफ्लामेटरी साइट से तो इंजर्ड साइट के ऊपर, सो दैट दे कैन प्रिवेंट इट। इफ यू विल सी दिस ल्यूकोट्राइन, उनका काम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, ब्रोंकोस्पाज्म करना और वैस्कुलर परमेबिलिटी को भी बढ़ाना। एज पर एज वैस्कुलर इवेंट आर कंसर्न, सबसे पहले वास्कुलर चेंजेस जो हीमोडायनेमिक चेंजेस आपको दिखेंगे इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में, दैट इज ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होता है कि बॉडी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए। एज सुन एज द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स सिंथेसिस हो जाएगा, दे स्टार्ट टू डू, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन हो जाएगा which is a major inflammatory mediator, so it will cause vasodilation. As per as vasodilation, ye persist karega for a longer period of time. Ye throughout arterioles, veins, capillaries, sare vasodilate ho jayegi. Vasodilation hone ke wajah se, jo hydrostatic pressure hai. What is hydrostatic pressure? The pressure which has been there, blood vessel ke andar bhi ek pressure hota hai, aur bahar bhi ek pressure hota hai. ये हीमोडायनेमिक प्रेशर मेंटेन होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आराम से ब्लड बाहर और फ्लूइड अंदर एकदम आराम से नहीं जा पाते। ये रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लूइड के फ्लो को अंदर और बाहर होने में नॉर्मली। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन होना इज वेरी रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ ब्लड। नाउ जस्ट इमेजिन करो कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अंदर बहुत बढ़ जाएगा तो उसको रिलीज भी होना पड़ेगा। अगर ये ब्लड वेसल है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड आ गया, बहुत ज्यादा फ्लूड आ गया एक जगह पे, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा, ऑलरेडी वैसोडाइलेशन है, परमेबिलिटी इंक्रीज है, तो क्या होगा, प्रेशर रिलीज करने के लिए फ्लूड इन साइड से आउटसाइड को फ्लो होगा। And because of that reason, fluid जो है blood vessel के बाहर जाके deposit होगा, that result into inflammation. And when this flow is been going outside, तो plasma ही नहीं जाएगा, plasma के साथ RBC और WBC भी जाएंगे। So this is what hemodynamic changes that occurs.
सबसे पहला जो चेंजेस आपको मिलेगा, जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वैसोडाइलेशन होगा, आपको दिखेगा, जब भी वैसोडाइलेशन होता है तो आपको दिखेगा कि क्वांटिटी ऑफ ब्लड एट दैट पर्टिकुलर साइट इज बीन इंक्रीजेस, क्योंकि ज्यादा जगह होगी, ऑब्वियसली ब्लड वेसल डायलेट होगी तो जगह ज्यादा होगी उस जगह पे, और उसके वजह से ब्लड का अमाउंट भी ज्यादा होगा। नो डाउट ब्लड का अमाउंट ज्यादा होगा, बट द प्रेशर जो कि था पहले, जिस रेट से ब्लड फ्लो हो रहा था, वो फ्लो ऑफ रेट स्लो होगा, और उसी को कहते हैं स्लोइंग और स्टेसिस। ये किस वजह से होता है? वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, और उसके साथ आरबीसी की क्वांटिटी, डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी उस जगह पे। ऑब्वियसली प्लाज्मा के साथ में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी भी वैसोडाइलेटेड प्लेस में ज्यादा होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द जो ब्लड का फ्लो रेट है वो कम होगा। एक और रीजन है कि आरबीसी की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भी इंक्रीज हो जाएगी, और आपको सभी को पता है इट इज ऑलवेज बी, फ्लो रेट इज ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड उतना स्लो वो फ्लो होगा। टोमेटो केचप आपको याद होगा, टोमेटो केचप भी बहुत स्लो फ्लो होता है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद द वाटर। जैसे ही स्लो ये होगा फ्लू, ब्लड का फ्लो होगा, ल्यूकोसाइट जो है ऑलरेडी ब्लड वेसल डायलेट हो चुकी है, ऑलरेडी वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, तो ल्यूकोसाइट ट्राई करेगा माइग्रेट करने के लिए। ल्यूकोसाइट का मतलब न्यूट्रोफिल्स, वो वैस्कुलर एंडोथेलियल से माइग्रेट होके ब्लड वेसल को क्रॉस करके जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा ब्लड वेसल फ्लूइड है, वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ल्यूकोसाइट मूव एंड माइग्रेटेड थ्रू द गैप टू द एंडोथेलियल सेल लाइनिंग टू द एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमिग्रेशन। नेक्स्ट वन इज अल्टर्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी। अब वैस्कुलर परमेबिलिटी अल्टर कैसे होती है? स्टर्लिंग इज अ साइंटिस्ट हु हैड गिवन द हाइपोथेसिस। उन्होंने दो फोर्सेस के बारे में बात की है इसमें। आउटवर्ड मूवमेंट के लिए, मतलब ब्लड वेसल से बाहर जाने के लिए। माइक्रो सर्कुलेशन में क्या होता है? एक होता है इंट्रावैस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये दोनों का एक स्पेसिफिक फोर्स होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्लूइड जो है वो आउटसाइड मूव करता है। और इनवर्ड मूवमेंट के लिए एग्जैक्टली अपोजिट होता है, इंट्रावैस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यू कैन सी हियर एग्जैक्टली अपोजिट, आउटवर्ड के लिए जो प्रेशर होगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट इनवर्ड के लिए प्रेशर होगा। सो अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड टू द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट which compose of blood plasma by its escape through the endothelial cell wall of peripheral. Agar suppose karo ye, just take an example, agar intravascular hydrostatic pressure badh jaye, osmotic pressure of the interstitial fluid altered ho jaye, to kya hoga? Jo fluid hai wo blood plasma se escape hoke एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द एलिवेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैंने आपको बताया इंट्रावैस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से। वो क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ द स्टैसिस ऑफ ब्लड फ्लो। एज द ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द blood and fluid will oozed out from there. आपको ये इस पिक्चर से भी समझ में आ जाएगा, आपको दिखेगा ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मली बाहर जाने के लिए रहता है, और कोलाइडल जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर विच जो कि अंदर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर आपको देखना होगा तो यू कैन सी ओवर हियर
कि अगर सपोज करो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, वो भी वैसोडाइलेशन और स्टैटिस की वजह से, तो उसके वजह से फ्लूइड और प्रोटीन लीकेज चालू हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया, इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर रिजल्ट इन टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड विच रिजल्ट इन टू इन्फ्लामेशन. तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, इसके वजह से क्या होगा कि फ्लूइड प्लस द प्रोटीन कंटेंट वो लीक होना चालू करेंगे एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन. एग्जैक्टली वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती करती है, व्हाट आर के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने के लिए, या किस तरीके से वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है. नाउ जस्ट कंसीडर, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक सेल है, जस्ट कंसीडर, एंड दिस इज व्हाट एन अनदर सेल, दे आर जॉइंट टुगेदर एंड दिस इज व्हाट अ गैप फ्रॉम विच द ब्लड विल फ्लो, दिस इज व्हाट अ वैस्कुलर एंडोथेलियल. ओके, नाउ सबसे पहला है कि दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएगी, तो गैप क्यों बढ़ती है भाई, क्यों बढ़ेगी, अगर सपोज करो जैसे ये एक ब्लड वेसल है, सेल है इंडोथेलियल सेल, ये दूसरा इंडोथेलियल सेल है, टेक एन एग्जांपल, पहले इसके बीच में कम गैप थी, क्या हो गया कि ये गैप, ये सेल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ये दूसरा सेल भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली गैप बढ़ गई. दिस इज व्हाट इंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द गैप, ये गैप बढ़ गया, उसके वजह से ब्लड का फ्लो आउटवर्ड मूवमेंट हो गई. ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, लाइक हिस्टामाइन है कि इंफ्लेमेटरी मीडिएटर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है. हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं और उनकी एक्टिविटी क्या होती है. दूसरा हो सकता है कि सपोज करो कि कट डायरेक्टली ब्लड वेसल पे लगा हो, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो डायरेक्टली कट ब्लड वेसल पे, कहीं आपकी इंजुरी हो गई और दैट इज डायरेक्टली ऑन द ब्लड वेसल, सो तब भी तो इन ब्लड फ्लो हो सकता है. यस, हो सकता है, आपने देखा होगा कई सारे जगह पे जहां डायरेक्ट इंजुरी होती है और वो डिफिकल्ट टू मैनेज भी होता है, तो दैट इज वन रीजन व्हेन देयर इज अ आउटवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ऑकर्स. तीसरी चीज कि ल्यूकोसाइट, कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी और अदर चीजों के वजह से भी होता है कि आपके डब्ल्यूबीसी आ गए और वो डब्ल्यूबीसी ने आपके इंडोथेलियल सेल लाइंस को डैमेज करना चालू कर दिया, सो दैट इज व्हाट ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट इंजरी. आप सभी को मालूम है जहां इन्फ्लामेशन होता है वहां पे डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, प्लस कुछ और भी चेंजेस होते हैं ऑटो इम्यूनिटी के वजह से, जिसके वजह से ब्लड वेसल के सेल्स डैमेज होना चालू हो जाएंगे, किसके वजह से, डब्ल्यूबीसी के वजह से, और वो डाइजेस्ट करेंगे तो भी लीकिंग हो सकती है. थर्ड वन इज द ट्रांससाइटोसिस. अगर आपको सेल टॉपिक पढ़ा होगा आपने, तो सेल टॉपिक के सेल टॉपिक में प्रोबेबली दे टॉट यू अबाउट दिस कि व्हाट कि सेल और the fluid is been directly permeable through the cell membrane. Cell membrane को transport across the cell membrane. आपने सुना होगा phagocytosis, pinocytosis, है ना, cell eating, cell drinking. It is something like that. वैसा ही कुछ होता है जहाँ पे जो blood है वो छोटे-छोटे pores के through cell membrane से automatically discharge होगी. You can see over here. ये वैस्कुलर इंडोथेलियल डिराइव ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ये ट्रांससाइटोसिस के लिए. एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस ये वर्ड, इसका मतलब न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन. अभी नई ब्लड वेसल्स बनेगी तो कैन दे विल हैव अ सिमिलर टॉलरेंस फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड, नहीं होगा, ऑब्वियसली दे आर हैविंग अ रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा कि फ्लूइड इतने इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बहुत इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इंडोथेलियल सेलुलर कॉन्स्ट्रिक्शन जो मैंने आपको बताया था, हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन एंड ल्यूकोट्राइन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है 30 to 50 minutes. इंडोथेलियल सेलुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो यहाँ से लीकिंग हो गई.
स्ट्रक्चरल और रिट्रैक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, दो सेल एक दूसरे से बंधे होते हैं बिकॉज ऑफ दी जंक्शन, और उसके वजह से चीजें इजीली नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाती वहां से और जा नहीं पाती। अगर सपोज करो उसमें रीऑर्गेनाइज हो जाए वो साइटोस्केलेटन, ये जनरली इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के थ्रू होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो एक्सिड्यूशन ऑकर्स। डायरेक्ट इंजुरी अगर हो जाए ब्लड वेसल्स को, तो मैंने आपको बताया ये भी। नाउ ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंडोथेलियल सेल इंजुरी की WBCs आ जाए और WBCs प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के थ्रू डैमेज करना चालू कर दे ब्लड वेसल्स के सेल को, तब भी तो लीकिंग होगी। एंड नियो वैस्कुलाइजेशन भी, जिसको हम कहते हैं कि न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन और एंजियोजेनेसिस, तो नए ब्लड वेसल अगर बनेंगे तो दे आर नॉट हैविंग रेजिस्टेंस, तो एनीथिंग कैन बी इजीली पास थ्रू इट। सो दीज आर व्हाट द डिफरेंट फैक्टर जिसके वजह से वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है और लीकिंग बढ़ती है, एक्सुड्यूशन बढ़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोडायनेमिक चेंजेस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द सेलुलर इवेंट ऑफ द इन्फ्लामेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स, गुड डे।